नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। राशिफल 9 सितंबर 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानने का प्रयास करते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। शुरुआत करते हैं आज सुबह के संक्षिप्त पांचांग से। सूर्योदय होगा 6:07 पर, सूर्यास्त होगा 6:30 PM पर। तिथि है कृष्ण पक्ष सप्तमी और नक्षत्र है कृतिका। योग है हर्षलवार बुधवार, चंद्र राशि वृषभ। सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन है। विजय मुहूर्त 2:21 PM से लेकर 3:11 PM तक। राहुकाल है 12:18 PM से लेकर 1:50 PM तक। ये था आज सुबह का संक्षिप्त पांचांग। ये आपके शहर के अनुसार, देश के अनुसार कुछ मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। और शुभ काम शुभ समय में करिए, राहु काल में सावधानी रखिए। बात करेंगे अब तुला राशि के राशिफल की। बढ़िया खाएं, बढ़िया पिए ताकि शरीर भी खुश रहे, और बढ़िया सोचें ताकि दिमाग भी खुश रहे तो और सेहतमंद भी बने रहें। आज को बढ़िया खाना है, खूब बढ़िया सोचना है ताकि दिलो दिमाग तंदुरुस्त रहे, ताज़ा रहे। आज अच्छी खबरें आपको मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। आज इधर उधर से आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपकी मेहनत करेंगे तो खूब तरक्की पाएंगे। जैसे जैसे दोपहर आएगी समय और बेहतर होता चला जाएगा। सुबह के टाइम थोड़ा सा परिश्रम होगा, लेकिन उस परिश्रम में भी कहीं ना कहीं आपको लाभ मिल जाएगा। आप दोपहर के बाद ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। आपके चेहरे पर उदासी जो है वो साफ देखी जा सकती है। जीवन साथी के साथ छोटे मोटे झगड़े संभव हैं। प्रेमी प्रेमिका जो है एक दूसरे से लड़ झगड़ सकते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। आपकी टांगों में दर्द की समस्या बढ़ सकती है। आपकी भाषा को आपको नाप तोल कर बोलना होगा, नहीं तो विवाद हो सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, जुबानी लड़ाई किसी से न लड़ें, नहीं तो मुसीबत होगी और किसी को भी, किसी अनजान को अपने नज़दीक न आने दें, उससे अपने राज न बताएं, उसके साथ ज़्यादा घुल मिल न जाए, नहीं तो आपको शत्रु बनकर लूट सकता है या लूट सकती है। आने वाले परेशानियों से बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा और पूर्ण रूप से सतर्क रहना होगा। आज के दिन यदि आप ईश्वर की भक्ति करते हैं और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, खूब मेहनत करते हैं, तो कुछ परेशानियों को पूर्ण रूप से नहीं लेकिन अस्थायी रूप से दूर करके आज के दिन को कुछ बेहतर बना लेंगे। संभल कर दिन बिताने का दिन है। भगवान शिव की आराधना करिए, काल भैरव की उपासना करिए, कृष्ण जी की उपासना करिए और माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। सब मंगल ही मंगल होगा। और लाजवर्त रत्न धारण कर लीजिए, सात मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, ऐसी अनेक समस्याओं से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। हरिओम, नमस्कार।